नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में। सबके लिए अभी बहुत गुड न्यूज़ है, खासकर ग्रेजुएट लोगों के लिए। IBPS ने अपनी RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक की वैकेंसी की रिक्रूटमेंट आज डाल दी है और कल से एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम उस जो रिक्रूटमेंट है वो है असिस्टेंट और ऑफिसर कैडर के लिए। इसमें बहुत सारी पोस्ट है और वैकेंसी टोटल 9000+ वैकेंसी है। तो बहुत सुनहरा मौका है आपको अप्लाई करने के लिए। ऑफिस असिस्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर, ट्रेजरी मैनेजर, ऑफिसर स्केल 1, बैंकिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, सबके लिए वैकेंसी आई है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। जो टोटल वैकेंसी है वो है 9200+ वैकेंसी है, जिसमें से 5276 वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट के लिए है और 3000 तक तकरीबन 4000 वैकेंसी ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए है। पोस्ट जो है वो है RRB ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज वैकेंसी जो है वो उसका है 5276 और ऑफिसर स्केल 1 की जो वैकेंसी है वो है 3978। ऑफिसर स्केल 2 के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, इनका भी अलग अलग वैकेंसी है, लेकिन इसका वैकेंसी कम है। लॉ के लिए है 26, CA 25, IT 59, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 848 वैकेंसी है और ऑफिसर स्केल 3 उसके लिए 156 वैकेंसी है। तकरीबन 10,468 वैकेंसी है और लास्ट ईयर यही वैकेंसी 8,354 थी। एग्जाम पैटर्न जो है वो असिस्टेंट के लिए प्राइमरी एग्जाम होगा और उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। इसमें आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट सिर्फ आपके मेंस एग्जाम के मार्क्स के बिना पे ही आपको पोस्ट मिल जाएगी। और जो ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है उसके लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा। और जो आपका मेंस सिलेक्शन होगा वो बोथ मतलब यानी कि दोनों मेंस एग्जाम और इंटरव्यू प्रोसेस के बेसिस पे होगा। एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। अभी कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट ऑफिस असिस्टेंट जो है उसके लिए 18 से 28 ईयर्स है और एज रिलैक्सेशन जो है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। असिस्टेंट मैनेजर अबव 18 ईयर्स, बिलो 30 ईयर्स। जनरलाइज जो है वो वैकेंसीज है 18 से 30 ईयर्स। और बाकी इसका जो है PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल लिंक दे दूंगा। स्केल 2 मैनेजर 21 ईयर्स से 32 ईयर्स तक है और जो स्केल 3 सीनियर मैनेजर का पोस्ट है वो 21 ईयर्स से 40 ईयर्स तक है। और एक एलिजिबिलिटी जो है कि जिस RRB में आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि मतलब जिस स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या किसी भी, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए बैचलर डिग्री चलेगा, कौन से भी इसमें, अब BSc, BA, BCom कुछ भी होगा तो चलेगा। प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज में, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री, लेकिन प्रिफ्रेंस जो है वो इन्हीं लोगों को दिया जाएगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंडरी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, इनको दिया जाएगा प्रिफ्रेंस फॉर्म फिलअप करते हुए। और लोकल लैंग्वेज इसमें भी ज़रूरी है लोकल लैंग्वेज आना। और आपको कंप्यूटर का जो वर्किंग नॉलेज मतलब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको आना चाहिए। इसमें 2 ईयर्स का जो है एज एन ऑफिसर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर 2 साल का। और नेक्स्ट जो है वो है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट है उसमें 1 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए और बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहिए विथ मिनिमम 50%। एक जनरल क्वालिफिकेशन इंडेक्स होता है। और अगर आपको ASP, PHP, C++, जावा ऐसे लैंग्वेजेस या कंप्यूटर के कोर्सेज में के सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट है उसके लिए 1 ईयर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर 2 ईयर्स एज एन एडवोकेट आपको होना चाहिए और लॉ ऑफिसर का काम करना चाहिए आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है ट्रेजरी मैनेजर के लिए, इसका भी 1 ईयर रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए MBA चाहिए मार्केटिंग में और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन होगा। और एक नेक्स्ट पोस्ट है एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर में यानी कि BSc चाहिए आपको, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंडरी, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग सब चलेगा और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए और आफ्टर एजुकेशन 2 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी फील्ड में।
नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 50%, और अगर आपके पास डिप्लोमा और डिग्री होगा बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और बाकी भी है फॉरेस्ट्री एनिमल हस्बेंडरी वेटरनरी सर्विसेज, और इसमें मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा उसमें। जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन हुआ है SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 ईयर्स, एक सर्विस मैन के लिए एक्चुअल पीरियड का जो सर्विस होगा उसका रेंडर्ड डिफेंस फोर्सेज, और 3 साल एक्स्ट्रा, और डिवोर्स वुमन के लिए 9 साल का एज रिलैक्सेशन है। अप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल कैटेगरी के लिए वो है 850 रुपीज़ दोनों असिस्टेंट और ऑफिसर की पोस्ट के लिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए उस वो है 175 रुपीज़। इसमें आपको इम्पोर्टेंट डेट्स जो ध्यान में रखना है वो है कि अप्लीकेशन कब स्टार्ट होना है। अप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, और ऑनलाइन अप्लीकेशन 21 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है जो दोनों की साथ में होगी वो रहेगी सितंबर या अक्टूबर में कहीं भी बीच में, और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा ऑफिसर्स के लिए वो है अक्टूबर और नवंबर में, और असिस्टेंट का भी मेंस का एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर और नवंबर में होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।